एक तो ठंड, ऊपर से बारिश, डेडली कॉम्बिनेशन। हम बाहर निकले हैं थोड़ा घूमने के लिए, क्योंकि कल भी मैं घर पे ही था, आज भी घर पे रहता तो मुझे अच्छा फील नहीं होता, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। ये जगह देखो, पूरी रोड जा रही है सीधी, ये पाखरो वाली रोड है। पाखरो मीन्स कोटद्वार का जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहाँ जाने वाली रोड है, और एकदम बढ़िया से खाली जंगल के बीच से जाती है रोड, काफ़ी बढ़िया रोड है। और यहाँ आने में मुझे बड़ा मज़ा आता है, जब भी मैं मेरे पास टाइम होता है तो मैं ऐसे ही आ जाता हूँ यहाँ, तो ये जगह काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। और ये एरिया जो है लैंसडाउन वन विभाग, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो लैंसडाउन का है उसके अंडर आती है, और 12-13 किलोमीटर आगे जाके पाखरो पड़ता है, वहाँ पर जिम कॉर्बेट का गेट है जो अभी कोटद्वार में रिसेंटली 2-3 साल पहले खुला है। मैं व्लॉग बनाने नहीं आया था, पर मेरे से रहा नहीं गया ये नज़ारा देख के, जो नेचर की जो ब्यूटी है, जो हमारे पहाड़, जो उत्तराखंड की जो ब्यूटी है वो मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। और ये बिजली भी कड़क रही है, गजब मज़ा आ रहा है। ये देखो फोटोशूट चल रहा है यहाँ संजय और मनीष। छाती चौड़ी करके ये सन्ने की नदी है, और यहाँ पे भी काफी अच्छा मौसम रहता है। जब गर्मियों का टाइम होता है किनारे जो दिख रहा है आपको वो बीच बन जाता है, ये वाला एरिया जो है ये बीच बन जाता है पूरा का पूरा, और यहाँ पे किनारे से ऐसा लगता है कि बस हम किसी बीच पे होंगे। जब भी ये शाम को हमें टाइम मिलता है हम यहाँ आ जाते हैं सन्ने, सन्ने की नदी कोलू नदी है, और ये आगे जाके खो नदी में मिल जाती है, यहीं पे थोड़ा आगे जाके वो सिद्ध बाबा मंदिर है, बहुत हाइट पे है, यहाँ से कोटद्वार का पूरा व्यू दिखता है। और यहाँ भी हम चलेंगे किसी दिन, लेकिन अभी फिलहाल बारिश और जगह के मजे लो। Thank you.
ये आर्टिफिशियल पत्ते, ये आर्टिफिशियल बारिश हो रही पत्तों के लिए।